नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें। बुलेटिन में बात होगी लोकसभा चुनावों की भर्ती सरगर्मियों की। आप सांसद संजय सिंह के बड़े खुलासे की देखेंगे, कैसे मंडी सीट पर बुरी तरह फंसी कंगना रनौत। आरजेडी के घोषणा पत्र में क्या है खास, जानेंगे ईवीएम पर कैसे फंस गया चुनाव आयोग। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उधमपुर में कांग्रेस की रैली में स्टार प्रचारक राज बब्बर ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा अग्निवीरों को 4 सालों में कर रहे हैं रिटायर और खुद के लिए मांग रहे हैं 15 साल। 14 अप्रैल को बीजेपी जारी करेगी अपना संकल्प पत्र, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद, संकल्प पत्र के नाम से जारी करेगी घोषणा पत्र। एआई के इस्तेमाल पर सीजीआई का अहम बयान, कहा जिनके पास संसाधन वे न्याय का कर रहे हैं दुरुपयोग। एआई बना सकती है लोगों के बीच गैप, लेकिन मौके भी देगी। और बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी मेगा इंजीनियरिंग पर सीबीआई का एक्शन, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में पहले दौर का प्रचार समाप्त होने में अब 100 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज राहुल गांधी एमपी और महाराष्ट्र पहुंचे तो अमित शाह राजस्थान में डटे थे। तो चुनाव प्रचार में उठे आज कौन कौन से सवाल, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के पहले दौर की वोटिंग के लिए 17 अप्रैल को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के दौरे पर रहे तो अमित शाह ने राजस्थान में मोर्चा संभाला। छत्तीसगढ़ की बस्तर में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार को घेरते हुए देश से जंगल राज खत्म करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में हमारी सरकार आने के बाद हम सबसे पहले देश के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने किसानों को पैसा दिया, वही हम देश में करेंगे। सबसे पहले हम किसानों को उनकी फसलों का सही दाम देंगे, वो भी कानूनी गारंटी के साथ। महालक्ष्मी योजना भी शुरू की जाएगी। राहुल ने महाराष्ट्र के भंडारे में हुई दूसरी रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि इस घोषणा पत्र में आपके मन की बात लिखी गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार में सब कुछ अडानी के लिए किया जाता है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अडानी की सरकार है। राहुल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में थे तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र के रामनगर और हरिद्वार के रुड़की में जनसभाएं की। गढ़वाल से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए वोट की अपील की, जिसके बाद उन्होंने शाम को रुड़की में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के समर्थन में वोट मांगे। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कब तक कांग्रेस पर आरोप लगाते रहेंगे, कांग्रेस पिछले 10 वर्षों से सत्ता में नहीं है, पिछले 10 वर्षों से बीजेपी सत्ता में है, फिर जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए बीजेपी सरकार दोषी है, लेकिन मोदी जी हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि मैं आपको गारंटी देने आया हूं, भूपेंद्र यादव इस क्षेत्र को सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे। विपक्ष बीजेपी को घेरने में जुटा हुआ है, 10 साल का हिसाब मांग रहा है। देश की जनता पर नजरें हैं कि वो किसे सत्ता में सौंपेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी की नजरें इस समय सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। कोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई को लेकर तैयार हो गया है। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया है, तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है और सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है। बताया गया है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत भी 15 अप्रैल को ही खत्म हो रही है, तो उसी दिन सीएम राउस एवेन्यू कोर्ट में भी पेश किए जाएंगे और यहां भी उन्हें बेल देने की मांग हो सकती है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ये दलील भी खारिज कर दी थी कि राजनीतिक विद्वेष के चलते उन्हें चुनाव के दौरान गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई थी और कोर्ट से मामले पर जल्दी सुनवाई की भी गुहार लगाई गई थी। तब कोर्ट ने कोई निश्चित तारीख तो नहीं दी थी,
लेकिन उनके वकील से कहा था कि ईमेल भेजे, उस पर गौर किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनसे मिलने के लिए आवेदन किया तो उनसे कहा गया कि आप उनसे आमने सामने नहीं बल्कि खिड़की के जरिए मिल सकती हैं। सीएम की पत्नी से ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों? तिहाड़ जेल प्रशासन बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। संजय सिंह के आरोपों से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में उसे बड़े नुकसान का डर लग रहा है। वैसे चुनावों में इस बार बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडी सीट से चुनाव लड़ रही बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस ने जबरदस्त प्लान तैयार किया है। तो क्या है कांग्रेस का ये प्लान, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के लिए पहले चरण के मतदान में अब बस कुछ ही दिन का समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने हिमाचल की मंडी सीट से कंगना रनौत पर दांव लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी यहां से ऐसे उम्मीदवार को उतारने जा रही है जिससे कंगना की हार तय मानी जा रही है। इस बीच अब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ऐलान किया है कि मंडी की सीट से उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य के नाम की सिफारिश कांग्रेस आलाकमान के पास भेज दी गई है और उस पर सहमति भी बन गई है। पार्टी की तरफ से किसी भी समय पर इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जा सकता है। बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश के प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इसके संकेत दिए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मंडी से हमें युवा नेता ही मिलेगा, ये तय है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को सशक्त कैंडिडेट माना गया है। गौरतलब है कि फिलहाल इस सीट से प्रतिभा सिंह ही सांसद हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंगना क्या कह रही हैं और क्या बोल रही हैं। मंडी के लोग हमेशा हमारे साथ हैं, मैंने कठिन परिस्थितियों में भी सीट जीती है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि वह चुनावी दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। अब वह अपने बेटे को इस सीट से चुनाव लड़ाना चाहती हैं। कांग्रेस के खिलाफ अब विक्रमादित्य सिंह उम्मीदवार होंगे। अभी विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद हैं। साफ है कांग्रेस ने कंगना को बुरी तरह से घेर लिया है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी ने भी अपने घोषणा पत्र से बीजेपी को घेर लिया है। आज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तो क्या है इस घोषणा पत्र में, देखिए इस रिपोर्ट में। शनिवार सुबह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, आरजेडी नेता व पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परिवर्तन पत्र के नाम से लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में पार्टी ने प्रदेश की जनता के मुख्य मुद्दों पर फोकस किया है। रोजगार से लेकर विशेष राज्य के दर्जे तक बिहार की जनता के लिए सभी अहम मुद्दों को शामिल किया है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने बताया कि 2024 के लिए उनकी पार्टी 24 जनवचन लेकर आई है। अगर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आई तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि इस 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी की लहर शुरू होगी और नौकरी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल रक्षाबंधन से गरीब परिवार की बहनों को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। 500 रुपए में LPG सिलेंडर मिलेगा। तेजस्वी ने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलाएंगे। साथ ही बिहार को अलग से स्पेशल पैकेज भी देंगे जो कि लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का होगा। तेजस्वी ने अपने घोषणा पत्र में 200 यूनिट फ्री बिजली करने से लेकर 10 फसलों पर MSP, स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने, अग्निपथ योजना बंद करने, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने, राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने की दिशा में 5 नए एयरपोर्ट बनवाने, स्वास्थ्य का अधिकार पूरे देश में लागू करने की बात कही है। तेजस्वी पहले से ही बिहार की जनता के बीच काफी लोकप्रिय माने जाते हैं और अपने घोषणा पत्र में उन्होंने जनता को लुभाने के लिए उन सभी मुद्दों पर बात की है जो काफी अहम। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए हैं। आरजेडी नेताओं ने बीजेपी पर सवाल भी खड़े किए हैं, तो वहीं सवाल इस समय चुनाव आयोग पर भी खड़े हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय सूचना आयोग की तरफ से चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा है। तो आखिर क्यों चुनाव आयोग आया है सवालों के घेरे में, देखिए ये रिपोर्ट। EVM के मुद्दे पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। काफी वक्त से विपक्ष EVM से चुनाव कराने का विरोध करते आया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग से भी वक्त की मांग की थी अपनी चिंताएं उनके सामने रखने के लिए, लेकिन आयोग ने उनसे मुलाकात नहीं की और अब चुनाव आयोग की भी क्लास लग गई है। दरअसल पूर्व IAS अधिकारी MG देव सहायम ने चुनाव आयोग से एक RTI के जरिए चुनाव के दौरान EVM व VVPAT की विश्वसनीयता के सवाल पर प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछा था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अनिवार्य 30 दिन की अवधि के भीतर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष RTI दाखिल करने वाले देव सहायम की पहली अपील भी नहीं सुनी गई, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग CIC का दरवाजा खटखटाया है।
सीआईसी ने मामले में चुनाव आयोग के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया ने चुनाव आयोग से पूछताछ की, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद सीआईसी ने इसे कानून का घोर उल्लंघन करार देते हुए चुनाव आयोग को लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। अब इस पर क्या जवाब देता है चुनाव आयोग, ये देखने वाली बात होगी। आरटीआई का जवाब नहीं देने पर चुनाव आयोग फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एसबीआई भी आरटीआई को लेकर फंसता दिखाई दे रहा है। दरअसल एक आरटीआई के जरिए एसबीआई से सवाल किया गया था कि चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई में उसने अपने वकील को कितना पेमेंट किया, तो क्या जवाब दिया एसबीआई ने, देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी बॉन्ड का मामला एसबीआई के लिए अभी भी परेशानी का कारण बना हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा ने 13 मार्च को एसबीआई से संपर्क कर डिजिटल फॉर्म में चुनावी बॉन्ड का वैसा ही पूरा डेटा मांगा। साथ ही उन्होंने इस मामले में एसबीआई की पैरवी कर रहे हरीश साल्वे को बैंक की तरफ से कितनी फीस दी गई इसके बारे में भी जानकारी मांगी थी, और चुनावी बॉन्ड पर जिस तरह के पैतरे एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिखाए गए थे और इस आरटीआई के जवाब में भी उसी तरह के पैतरे आजमाए गए। एसबीआई के उप महाप्रबंधक की तरफ से जवाब दिया गया कि जानकारी में खरीदारों और राजनीतिक दलों का विवरण शामिल है, इसीलिए इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। वकील हरीश साल्वे को बैंक की ओर से दी गई फीस की रकम का ब्यूरो जानकारी नहीं देने की बात कहते हुए बैंक की तरफ से कहा गया कि ये जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की है। बत्रा ने कहा कि ये अजीब बात है कि एसबीआई ने उस जानकारी को उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पहले से ही मौजूद है। साल्वे की फीस में करदाताओं का पैसा शामिल है, ऐसे में एसबीआई ये जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता। फिलहाल ये मामला कोर्ट में जा सकता है। साफ है चुनावी बॉन्ड का मामला अभी भी एसबीआई की परेशानी को बढ़ाने वाला है। एक बार फिर एसबीआई मुश्किल में घिरता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है, तो क्या कहा है सिद्धारमैया ने, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में सियासत गरमाई हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी पर उनकी पार्टी को तोड़ने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक इंटरव्यू में सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी पिछले साल से हमारी सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर उसने कर्नाटक में अपने ऑपरेशन लोटस का चाबुक चलाया है। उन्होंने हमारे विधायकों को 50 करोड़ रुपए की पेशकश की है। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि बीजेपी साउथ के राज्यों में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की सभी कोशिशों के बावजूद हमारा एक भी विधायक हमें नहीं छोड़ेगा। मीडिया ने सवाल किया कि लोकसभा चुनाव में हारने पर क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने दावा किया है कि भले ही इस चुनाव में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत ना मिले, लेकिन एनडीए गठबंधन को भी केंद्र में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं मिलने वाली। सिद्धारमैया ने उम्मीद जताई कि बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे के विपरीत केंद्र में बीजेपी के बिना सरकार बनेगी। सिद्धारमैया ने कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार ने एक भी चुनावी वादे पूरे नहीं किए हैं। इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई दो प्रमुख मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री ने इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 15 से 20 सीट जीतने की बात कही है। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने पोस्ट वर्कआउट लो आगे मत जा। अरे यार सामने पीछे रहना अपन साइड हो जा। अरे जरा इधर हो जा। दादा काजल जी एक मिनट दोस्त गाड़ी में तो आने दो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब